तो हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू राहुल रमोला व्लॉग्स। तो गाइस, आज मैं ऑफिस से जस्ट अभी घर आया हूँ एंड फिर से एक बार मतलब ऑफिस इवेंट अटेंड करने जा रहा हूँ। एक होटल है नियर बाय गुरु द्रोणाचार्य मेट्रो स्टेशन, फॉर्चून सेलेक्ट ग्लोबल, आई थिंक इट्स अ 5-स्टार होटल देयर, जहाँ पे हमारा एक इवेंट होने वाला है। इवेंट या पार्टी कह लो, गेट टुगेदर है, जहाँ पे मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन के लोग एक दूसरे से मिलते हैं, डिस्कस करते हैं ऑन फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। सो अभी के लिए मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ, ऑब्वियसली 7 बज गए और मुझे पहुँचना था 7 बजे तक, 7:30 बजे तक ऑलमोस्ट, तो 8 बजे तक पहुँच जाएंगे। पिछली पार्टी में 9 बजे तक पहुँचे थे दिल्ली, आज तो गुड़गांव में ही है, तो जल्दी चलते हैं गाइस। सो गाइस, फाइनली निकल चुके हैं गुड़गांव की सड़कों को नापने के लिए और अभी जहाँ मैंने बताया था अभी इवेंट में जा रहा हूँ, तो अभी मैं पहुँचा हूँ संकट चौक रोड पे गुड़गांव में। सामने आप देख सकते हैं साइबर हब, तो बढ़ते हैं डेली की तरह। इस समय वही डेली रूटीन वाला जाम, जाम तो बहुत रहता है गुड़गांव में भी और दिल्ली में भी, क्या बताएं। जैसे आपने देखा गुड़गांव और गुड़गांव का जाम हमेशा ही ऐसा रहता है यहाँ पे, और ये है साइबर सिटी गुड़गांव, बहुत ही फेमस है ना। तो अभी यहाँ पे थोड़ा कम ट्रैफिक है, रात के 8:30 बज रहे हैं और मुझे अभी डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए आई थिंक और 10 मिनट लगेंगे, क्योंकि अभी मैं हूँ साइबर सिटी और यू ब्लॉक के आसपास और यहाँ से 10-15 मिनट की डिस्टेंस पे गुरु द्रोणाचार्य मेट्रो स्टेशन और उसके आसपास ही है शायद ये फॉर्चून सेलेक्ट ग्लोबल होटल। तो गाइस, जस्ट अभी मुझे कॉल आया और मैं फाइनली मतलब 10 मिनट लेट हूँ, बट कोई इशू नहीं, इतना चलता है यार, गुड़गांव के ट्रैफिक का हाल ही ऐसा है। आ चुके हैं हम गुरु द्रोणाचार्य मेट्रो स्टेशन के आसपास, सामने ही है फॉर्चून सेलेक्ट ग्लोबल मेरे राइट हैंड साइड पे, तो मुझे यहाँ से यू टर्न देखना पड़ेगा सबसे पहले। तो लो जी, यू टर्न भी आ गया, तो हम गुरु द्रोणाचार्य की तरफ वापस यू टर्न लेते हुए, और भाई यहाँ से बहुत तेज तेज गाड़ी आ रही है, बहुत तेज तेज, भाई देख भी नहीं रहे कि बंदा यू टर्न ले रहा है, लेने दो जरा आराम से भाई, सब कुछ नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सामने रहा मेट्रो स्टेशन और यहाँ से है मेन एंट्री ऑफ फॉर्चून ग्लोबल सेलेक्ट या सेलेक्ट ग्लोबल, जो भी बोल लो, आप देख सकते हैं सामने बोर्ड। सो गाइज, हम पहुंच गए हैं पार्किंग एरिया में होटल के। सो गाइज, सामने है मेन एंट्रेंस और आसपास यही है ग्लोबल आईटी पार्क, जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज फाइनली एंटर कर गए हैं। तो इधर इनका ये मेन रिसेप्शन है, कुछ इस तरीके से है ऑलमोस्ट, ये मतलब प्रॉपर होटल जैसा नहीं बना है। तो गाइज, फाइनली मतलब यहाँ पे मीटिंग के आसपास वीडियो बनाने का मौका मिल रहा है। तो ये जो इवेंट है डेल की तरफ से था, आप देख सकते हैं बहुत सारे लैपटॉप्स यहाँ, i5 i7, आई डोंट नो, बट बहुत ही सही लैपटॉप्स हैं। तो गाइज, आसपास का माहौल कुछ ऐसा अस्त व्यस्त हो रखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे डिनर का टेबल सजा है, बाहर मेन रोड है जो कि काफ़ी नीचे है बिल्डिंग से आसपास की। सो गाइज, बिल्डिंग के नीचे आप देख सकते हैं सामने मेट्रो स्टेशन एंड कॉर्पोरेट पार्क दिख रहा है, तो
कुछ इस तरीके से है भाई, और ये रहा तुम्हारा भाई। तो वी विल स्टार्ट विद दिस स्टार्टर। बहुत अच्छा लग रहा है। वेलकम सर, दोस्तों फैशन गैलरी, प्लीज वेलकम फैशन गैलरी। ऑलराइट गाइस, सो डिनर टाइम हो गया है, सब लोग डिनर कर रहे हैं। देख, दिखाता हूँ मैं आगे, ये देखो भीड़ बहुत ज़्यादा है। चलो डिनर करते हैं। चलो भाई डिनर फिनिश। तो ब्राउनी के साथ आइसक्रीम और देसी गाजर हलवे का मजा लेते हैं और चलते हैं, खाते हैं और ख़त्म करते हैं। आई नो आपने पहाड़ों के ब्लॉग्स बहुत देख लिए, मंदिरों के बहुत देख लिए, ट्रैवल ब्लॉग्स, लाइफ स्टाइल ब्लॉग्स, तो हाँ दिस इज़ ऑफिशियल लाइफ स्टाइल ब्लॉग, जो कि आजकल मैं तो ट्रैवल या ऑफिस हर चीज़ को दिखाने की कोशिश करता हूँ। दैट्स इट गाइज, ये है रिसेप्शन एरिया, आप यहाँ पे रिलैक्स कर सकते हैं वाइल बुकिंग। ये है मेन काउंटर जो रिसेप्शन का है। तो बेसिकली ये बिल्डिंग है जिसको होटल में कन्वर्ट किया गया। तो अभी ऑलमोस्ट रात के 12 बज रहे हैं, तो चलते हैं यार यहाँ से, बहुत ज़्यादा लेट हो गया। तो भाई बाहर बहुत लग रही है ठंड, जल्दी से बैठते हैं गाड़ी में, आपको दिखाता हूँ होटल का बाहर। सामने है गुरु द्रोणाचार्य मेट्रो स्टेशन। ये कुछ कॉरपोरेट टाइप की बिल्डिंग है, मैं बता दूं आपको, जिसको होटल में कन्वर्ट किया गया है। जैसे जैसे मैंने सामने कंपनीज दिखाई थी आपको, ये इनमें कंपनीज है, इसमें होटल है और कुछ नहीं। काइंड ऑफ अ 5-star होटल ही है, बट इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। सो फाइनली गाइज, निकल गया मैं पार्टी से घर, और बहुत कन्विंस करना पड़ा मेरे को कि भाई मुझे जाने दो, अब 12 बज गए, बट फिर भी बोल रहे थे 2 मिनट और रुक जाओ, 2 मिनट और रुक जाओ, और भी है। तो मैंने कहा चलो यार अभी आज के लिए इतना काफ़ी है। तो अभी मैं हूँ साइबर सिटी गुड़गांव में, ये है रैपिड मेट्रो स्टेशन, एंड यहाँ से हम चलो निकलते हैं। अब ज़्यादा क्या बातें करें, आज का दिन तो नहीं बोलूँगा क्योंकि दिन मैंने आपको दिखाया नहीं। तो गाइज आज की शाम ऐसे ही गई है, तो अभी यहाँ से हम निकलते हैं घर को जल्दी, फिर घर पहुँच के करते हैं व्लॉग एंड। सो गाइस फाइनली मैं पहुंच गया हूं घर, और कुछ लेके आया हूं। तो मैं लेके आया ये जो कि मिला मेरे को KMG की तरफ से, जिनकी इवेंट्स में मैं गया था। इन्होंने दिया हमें एक नोटबुक, एक पेन, और ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ थी, इसमें बहुत सारे कार्ड वगैरह आ जाते हैं, तो दैट्स नाइस, बहुत ही अच्छा गिफ्ट था, आई लाइक इट।